राम राम जी। तो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश में अपने दोस्त के वहाँ ठाकुर जी के, और ठाकुर जी के साथ जाने वाला हूँ मंसूरी। तो मौसम तो वैसे ख़राब ही है, बारिश वगैरह यहाँ पे हो ही रही है। अगर आप वैसे आ रहे हो घूमने के पर्पज़ से ओनली, तो भाई अभी तो मत ही आओ क्योंकि बारिश हो रखी है। मैं तो यहाँ दोस्त के घर पे स्टे कर रहा हूँ, तो इससे मिलना भी था, कुछ काम वगैरह भी था, तो इसलिए आ गए इस साइड में। तो मौसम हो रखा है ख़राब, अब देखते हैं रास्ते में कैसा मिलता है। बाकी घूमने का तो पूरा प्लान है, व्यू वगैरह तो पता नहीं कैसे ही आएंगे क्योंकि फॉग लग रखा है, चारों तरफ बारिश हो रखी है। तो मिलते हैं आपको आगे। तो दोस्तों, नाश्ता आ चुका है, हमारे प्यारी प्यारी आंटी जी ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। ये है आलू प्याज और हरी मिर्च का मिक्स परांठा, ये है चाय और अचार। तो अब इसे खा के हमें एनर्जी आएगी पहाड़ चढ़ने में, तो हम पहाड़ तोड़ने जा रहे हैं आज। मिलते हैं आपको आगे। देखिए, ये सामने से हमारा हीरो आता हुआ, ये सवेरे से भाई साहब इसे मात्र 6 पराठे खाए हैं। अब 6 पराठे में मुझे नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है, ये साला आधे घंटे से अंदर घुसा हुआ है। सर, आप बताना चाहोगे आप आधे घंटे से अंदर क्या कर रहे थे? भाई, मैं वसूली करने गया था। ये मेरे घर में खाड़ा है, यहाँ पे वसूली करने जा रहा है। तो भाई, वसूली करके आया हूँ मैं अभी। ये वक्त गुजारे कितने आ, मैं जज्बात तेरे मारे कितने आ, खाब भी उसारे कितने आ, पर दिल लेके मेरा जे तू दिल ना दे, रोवेगी मकबरा नु हीरे मेरी ए, जे हीरे आंदे हार जे हयार कोए आ। तो दोस्तों, हम मंसूरी में आधे रास्ते पे हैं और यहाँ पे धुंध इतनी हो गई है, बिल्कुल ही फॉग। बारिश भी हो रही है और धुंध बहुत ज़्यादा लग गई है, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी के दिन हो, बिल्कुल ही स्वर्ग में आ गए हो। स्वर्ग में आ गए हो कह रहे ये आया हो भैया, मैं नहीं आया, मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो सही सलामत हूँ। यार बरसात हो रही है कह रहा है, रोक दे रोक दे रोक दे। अब तो यार भाई, मतलब धुंध पड़ रही है, सर्दी के दिन है भाई यहाँ पे तो, सच में यहाँ कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ भी गर्मी के नाम की भी कोई चीज़ होती है। सच में ऐसे एक नैनीताल में हो रहा था, एक यहाँ पे हो रहा है भाई, बिल्कुल धुंध। आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मेन मंसूरी हेड पॉइंट पे, और यहाँ पे व्यू कुछ ऐसा है। तो भाइयों, ये है मंसूरी और हम फाइनली पहुंच गए हैं। बाकी यहाँ पे हल्की हल्की धूप आ रही है और ठंड तो है। अब आगे जा रहे हैं हम बुद्धा टेंपल पे, या क्या पता जॉर्ज एवरेस्ट भी जाएं। जॉर्ज एवरेस्ट गया था पिछली बारी,
अब वहाँ पे पता क्या है, वहाँ पे ना मौसम हो रखा ख़राब, तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि वो बिल्कुल टॉप में है और टॉप से पूरा फॉग लगा हुआ है, धुंध लगी पड़ी है चारों तरफ, तो कुछ दिखेगा तो है नहीं। अब वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है, बाकी पूछेंगे किसी से अगर कोई आ रहा हो तो रास्ते में, देखते हैं कैसा लगता है। जब यहाँ पे हल्की हल्की धूप आ रही है ना, तो मन कर रहा है कि धूप में बैठ जाऊँ आराम से, और क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो भाई, और यहाँ पे वैसे सारे ही शर्ट में आ रखे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि स्वेटर वगैरह में आए हो, क्योंकि सारे टूरिस्ट ही आ रखे हैं फिलहाल इस टाइम पे, और किसी ने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था जैसे सर्दियों के दिन होते हैं, सेम बिल्कुल वैसी है। हिल स्टेशन का यही फ़ायदा है कि आपको यहाँ पे गर्मी नहीं मिलेगी, ठंड ही मिलेगी। तो ये है यहाँ का मेन एट मंसूरी लाइब्रेरी, और आपके इस साइड को है माल रोड, माल रोड है आपका उस साइड को, और बाकी का तो आप देख ही रहे हो। तो दोस्तों हम निकलते हैं अब आगे को और मिलते हैं आपको। यहाँ हमारे ठाकुर जी कुछ पुण्य का काम भी करते हैं। ओह कितने आ गए, दे दे। अच्छा इतना छोटा ताकत देख रहा है, वही तो बड़े बड़े राधे उसने खासी हो गई। ले तू ले, तू वहाँ जा देना इतना प्यारा पपी है, पेट में लगना 14 इंजेक्शन कटे इसको। तो भाई अभी हम यहाँ पे रुक गए हैं थोड़ी चाय पीने के लिए, क्योंकि वैसे तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन बट इस टाइम पे लेकिन ये कह रहा है मेरे घर में 4 दिन से पी रहा है, लेकिन दूध में ही ला रहा हूँ, पट्टी में ला रहा हूँ। वो देखो मतलब ये छोटा सा इतना सा कहता, छोटा बम बड़ा धमाका, वही वाली बात है। तो दोस्तों हम हैं जॉर्ज एवरेस्ट पे और यहाँ का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया बेचारा। तो भाई मैंने इसे पकड़ लिया है, बार बार कह रहा हूँ मुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। दोस्तों देखिए ये पेट्रोल बचाओ अभियान खत्म हो गया, बचाता क्या। 200 रुपए करके पेट्रोल भरवा रहा है ये।